सो हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई, आज मैं लावा कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ और लावा कंपनी के साथ जा करने वाला हूँ। तो लावा कंपनी में भी भाई पूरा वैकेंसी चल रहा है। वैसे ही अभी नोएडा जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, तो लगभग कंपनी में रिक्वायरमेंट चल रही है। तो आप लोग जो भी कंपनी में वैकेंसी चलती है, मैं आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ, कम्युनिटी के माध्यम से हो या डिस्क्रिप्शन जिसके माध्यम से हो, आप अपडेट करते रहता हूँ। तो आप लोग जो है चैनल पर बने रहिएगा, जो भी चैनल पर न्यू है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो पूरा, अगर जो भी लावा कंपनी में जॉब चाहते हैं और परमानेंट जॉब चाहते हैं भाई, हमेशा परमानेंट, तो वो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा कैसे परमानेंट जॉब होगा। पूरा फुल डिटेल आप लोग जरूर देखिएगा, कितना सैलरी है और कैसे सिलेक्शन होगा, कितना कौन डॉक्यूमेंट लेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लेगा, तो मैं सब कुछ ऑल डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले लावा प्राइवेट लिमिटेड जो कि नोएडा में ये कंपनी है और नोएडा द्वारा प्लेसमेंट लगा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मैं सब कुछ चर्चा करने वाला हूँ, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। तो जो भी लावा में जाना चाहते हैं, तो लावा का भाई यहाँ पे पूरा मोबाइल बनता है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है आप लोग देखना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं, मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो आप लोग लावा कंपनी विजिट कर सकते हैं और खुद से लावा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। जो भी मोबाइल हो, कीपैड वाला जो फोन आता है वो भी बनता है, और जो डिस्प्ले फोन आता है वो भी बनता है। तो टोटल भाई जो भी मोबाइल कंपनी आप वर्क करते हैं, तो डिस्प्ले कहीं और से बन के आता है, मोबाइल का बैटरी कोई और कंपनी से बन के आता है, तो वहां पे बस सेटअप होता है। लावा कंपनी आप जाते हैं तो लावा मोबाइल का सेटअप होता है, तो आप लोगों को सेटअप लाइन पे करना पड़ेगा। आप लोगों को बैटरी लगाने दिया तो बस बैटरी लगाते रहिए, मतलब 2500 लगभग में जो भी मोबाइल कंपनी है, 2500 टारगेट रहता है, तो उसमें 1800 2500 2200 2300 तक प्रोडक्शन होता है। तो आप लोग जाते हैं प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी में हो, तो लगभग में पर डे आप लोगों को 2000 प्लस मोबाइल पास करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। तो मैं भी कई सारे कई मोबाइल कंपनी में वर्क किया हूँ, जैसे ओप्पो में भी किया हूँ, डिक्सन में किया हूँ, तो मैं देखा हूँ कि लगभग में 2500 3000 टारगेट, 2000 लगभग 2500 टारगेट रहता है, तो उसमें 2000 बनता है, कभी 2800 भी 3000 भी प्रोडक्शन हो जाता है। तो फिर भी इसमें जो है लाइन पे आप लोगों को वर्क करना पड़ेगा, लेकिन लावा कंपनी में जो भी चाहते हैं, तो अभी फिलहाल जो है वैकेंसी चल रही है। अगर आप लोग प्लेसमेंट में जाते हैं, तो आप लोगों को भाई कंपनी बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग जो भी जाना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश आप लोग विजिट करिए। तो चलिए, मैं सैलरी का डिस्कस कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट का डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। तो सबसे पहले लावा ये नोएडा का कंपनी है, और ये प्लेसमेंट भाई 28 नवंबर को लगाने जा रही है, यानी कल 28 नवंबर को आप लोग पहुंचते हैं, 28 नवंबर 2023 को आप लोग पहुंचते हैं, इस प्लेसमेंट में भाग लेते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन 100% होगा, जो कि 10 बजे तक आप लोगों को पहुंचना है योगी राज दयानंद ITI कॉलेज। तो योगी राज दयानंद कॉलेज का जो भी एड्रेस देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से मैं एक बार योगी राज दयानंद ITI कॉलेज गए थे, मदरसन कंपनी प्लेसमेंट में भाग लिए थे, तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं कैसे गए थे और कितना दूर है, कितना चार्ज आप लोगों को लगेगा। सबसे पहले आप लोगों को बस वाराणसी भाई जंक्शन जाना है, और वाराणसी से जो है चोलापुर का डायरेक्ट जो है आप लोगों को ऑटो नहीं मिलेगा, वहां से भाई 2 या 3 चेंज करना पड़ता है। तो वैसे आप लोग बोलिएगा चोलापुर जाना है, तो आप लोगों को ऑटो वाला बता देंगे यहाँ जाइए और यहाँ से वहां पकड़िए, तो 2 से 3 आप लोग ऑटो चेंज करिएगा, चोलापुर आप लोग पहुंच जाइएगा। ज्यादा किराया भाई नहीं लगेगा, लगभग जो है 50 से 60 रुपये आप लोगों को ऑटो से चार्ज लगेगा, 2 से 3 बदलिएगा, पूरा फुल चार्ज मैं बता रहा हूँ, एक एक तरफ का आप लोगों को 50 रुपया प्लस, लगभग 100 रुपया में आप लोग जो है वाराणसी जंक्शन से चोलापुर आप लोग जा सकते हैं, प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। तो ये प्लेसमेंट भाई योग्यता ITI पास रखा गया, जो भी 2 ईयर्स ट्रेड हैं ITI पास हैं वो इस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं और लावा कंपनी में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इनका जो है सैलरी भाई, जो वहाँ का बेसिक सैलरी है 10,500, वो बेसिक सैलरी बनने वाला, 8 घंटे ड्यूटी रहेगा, और एज लिमिट का बात किया जाए तो एज लिमिट आप लोगों को 18 से 26 वर्ष रखा गया है। तो 18 से 26 जिनका भी है ITI 2 ईयर्स कम्प्लीट है, वो इस कंपनी में भाग ले सकते हैं, इस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं। और चलिए, OT भाई, OT इसमें लगते रहता है, 60 रुपया घंटा OT है। आप लोग इस कंपनी में लगते हैं तो भाई नोएडा में आप लोगों को पता ही है सैलरी थोड़ा कम मिलता है, तो इसीलिए मैं फिलहाल अभी बेंगलोर में 1 ईयर से हूँ, तो फिर भी इस कंपनी में आप लोगों को 14 से 15 हजार आप लोगों को सैलरी आ जाएगा, क्योंकि मोबाइल कंपनी में 2000 अटेंडेंस बोनस रहता है, उसके बाद कुछ नाइट शिफ्ट रहता है, और लावा कंपनी में 2 घंटे आप लोगों को OT भी मिल जाएगा। तो ये सब मिला के आप लोगों को 14 से 15 हजार आप लोगों को पेमेंट रिसीव होगा। वर्क आप लोगों को बताए दिए, लाइन पर वर्क होगा, आप लोग ITI हैं तो ITI का भाई क्वालिटी में दिया जाएगा, वैसे प्लेसमेंट करवा रही है कंपनी, तो प्लेसमेंट के थ्रू जाइएगा तो आप लोगों को भाई कंपनी रोल पे रखा जाएगा, तो आप लोगों को कहीं भेज सकता है, या तो क्वालिटी में भेज देगा, या आप लोगों को जो है जो भी वहाँ हो प्रोडक्शन में भेज देगा, और रहता है RC रहता है, उसके बाद जो है इसमें जो है मतलब जो मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट रहता है, तो किसी डिपार्टमेंट आप लोगों को भेज दे, जहाँ पे खाली रहेगा वहाँ पे आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तो वर्क जो भी मिलेगा वर्क करना पड़ेगा, वैसे भाई मोबाइल कंपनी में आप लोगों को फुल AC वर्क मिलेगा, मतलब फुल AC में वर्क करना पड़ेगा,
और इसमें जो है खाना भी मिल जाएगा, वन टाइम आप लोगों को ड्यूटी आवर में खाना मिल जाएगा। और जो भी यूनिफॉर्म मिलेगा, यूनिफॉर्म आप लोगों को पता ही होगा मोबाइल कंपनी का जो मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलेगा, तो आप लोग खुद पहन के जाइए और ऊपर से जो है वो यूनिफॉर्म आप लोग लगा लीजिए। तो प्लेसमेंट जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं आईटीआई 2 ईयर्स किए हुए हैं वो इस प्लेसमेंट में भाग ले सकते हैं और योगी राज चोलापुर आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।